हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा। क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम वीडियो में करने जा रहे हैं ब्लाउज़ की कटिंग, अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 1/4 चेस्ट के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरह से एक्स्ट्रा लेकर के हमने डबल फोल्ड यहाँ पर कर लिया है। तो नीचे से जितना भी हमारा कपड़ा है इसको हमने सीधा करने के लिए लाइन खींच लेनी है रूलर की हेल्प से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक की कटिंग पूरी आपके साथ में शेयर की जाएगी। तो जहाँ पर देंगे हम ब्लाउज़ की लंबाई, तो ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पर हमारी 16 इंच है। यहाँ पर अगर आपको तुरपाई करनी है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली है। 15.5 इंच हमें पूरा रेडी चाहिए तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि अस्तर है तो अस्तर को हम बैक पार्ट से फोल्ड कर लेंगे, तुरपाई नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर इतनी लंबाई ली है। अब यहाँ से हम शोल्डर के लेंगे माप 7 इंचेस। अगर आपको डीप नेक बनाना है तो आप 1 इंच कम लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच ले लिया है। 42 चेस्ट के लिए हम ये ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर मुड्ढे का निशान लगाया है और इस लाइन को हमने यहाँ पर खींच लेना है बराबर। और यहाँ पर 1/4 चेस्ट का लेंगे, जो कि होगा 42 का 1/4, 10.5 इंच यानी कि 10.5। और इस तरह से यहाँ पर अब हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से भी हम नीचे से भी 4 इंच पर मार्क कर लेते हैं और इस लाइन को हमने खींचना है सीधा रूलर की हेल्प से। अब यहाँ पर 1.5 इंच की प्लेट आएगी तो दोनों तरफ 0.75 पौना पौना इंच यानी कि 0.75 दोनों तरफ से ले करके हमने यहाँ पर लाइन इस तरह से टेढ़ी लाइन खींचनी है। इससे हमारा प्लेट का निशान बन जाएगा। जो बिगनर्स हैं वो ध्यान रखिए कि इस तरह के प्लेट्स डालने के लिए रूलर की हेल्प ज़रूर लें, अंदाजे से प्लेट के निशान ना लगाएं। तो यहाँ पर चेस्ट वेस्ट का 1/4 ले लेंगे, कमर का 1/4 है 10 इंच, और हमें क्योंकि 1.5 इंच की प्लेट है तो 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा और मार्क कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10+1.5 11.5 इंच। और इस मार्किंग को हम इस तरह से स्केल की हेल्प से मैच कर देंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6.5 पर हमने मार्क किया है इस तरह से, और यहाँ पर हमने इसको गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद में यहाँ पर 2 इंच हमने दोनों तरफ से मार्क कर लिया है मार्जिन के लिए, और इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब आती है गले की बारी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गला अगर गहरा रखना है तो आपको शोल्डर कम लेना होगा। यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई का हमने मार्क कर दिया है यहाँ पर, तो क्योंकि ये बैक का कलर हम छोटा बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे बॉक्स बना करके गोलाई दे देनी है। तो ये गोल गला सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, तो सिंपल तरीके से बताने की आपको पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पर 1/2 इंच डाउन हमने यहाँ पर ले लेना है शोल्डर का। तो इस तरह से बैक पार्ट की हमारी ये मार्किंग हो गई है। इस मार्किंग के साथ में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कहाँ से कर लेनी है वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने फ्रंट के पार्ट कट करने हैं, तो इसको हम बिछाएंगे। बिछाने से पहले 1/2 इंच मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हुक हाई की पट्टी लगेगी तो 1/2 इंच दबेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले 1/2 इंच का मार्क लगा लेना है, और यहाँ से मार्किंग के ऊपर से इस बराबर से हमने यहाँ पर ये बैक पार्ट को बिछा लेना है इस तरह से। और क्योंकि बैक पार्ट से हमें में तुरपाई नहीं करनी थी, फ्रंट पार्ट में तुरपाई करनी है, तो 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे। और क्योंकि प्लेट्स डलती हैं तो ये 1.5 इंच फालतू लेने के बाद में यहाँ पर हमने लाइन खींच ली है, और क्योंकि फ्रंट की प्लेट डलती है तो 1/2 इंच हमें और एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि प्लेट डलने के बाद में इसकी लंबाई छोटी हो जाती है। तो इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पर लाइन खींच ली है। अब यहाँ पर जितनी भी हमने मार्किंग बैक पार्ट की थी, यानी कि बैक पार्ट जहाँ पर आ रहा है बराबर बराबर हमने मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। देखिए गले की हम दोबारा से मार्किंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट का नेक इतना छोटा नहीं होगा। और यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है और इसको हमने मिला लेना है। ऊपर की तरफ से ही हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि मुड्ढे पर हमारी एक प्लेट आएगी तो उससे ये छोटा हो जाता है। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। प्लेट के हमने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं नीचे की तरफ से। देखिए इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट से जितनी मार्किंग करनी थी वो हमने कर ली है। यहाँ पर सेम 6.5 इंच पर हम इस तरह से बॉक्स टाइप बना देंगे,
जैसे कि मुड्ढे की पिछले की कटिंग की थी। अब यहाँ से हमने पौना इंच अंदर की तरफ लेना है, ब्लाउज में पौना इंच अंदर लेते हैं और इस तरह से हमने टेढ़ी लाइन खींच देनी है। और यहाँ से हमने आगे के पार्ट्स के लिए थोड़ी अंदर से ज़्यादा गहराई लेनी होती है, तो इसलिए गहराई में इसको गोल कर देना है। तो पौना इंच अंदर की तरफ से लेते हुए हमने इस तरह से गोलाई कर दी है। अब यहाँ से हम दोबारा से ध्यान से देखिए 11 इंच पे मार्क करेंगे और आधा इंच छोड़ करके यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे। और वापस से जैसे हमने बैक पार्ट में प्लेट डाली थी, ये वाली प्लेट उसी तरह से यहाँ पर डलेगी। पौना पौना इंच यानी कि 0.75 इंच दोनों तरफ से ले करके हमने यहाँ पर इसको टेढ़ी लाइनें खींच देनी है। तो ये दो प्लेट्स के निशान लग गए हैं। यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, थोड़ा टेढ़ा करते हुए इंच टेप को। यहाँ से भी 1.25 इंच लेंगे। अब यहाँ से भी 1.25 इंच हमने इस तरह से लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से गोलाई में आना चाहिए, तो ये हमारे निशान सही लगेंगे। तो यहाँ से हमने इसको अब लाइनें खींच लेनी है। एक फ्रंट की तरफ जाएगी, एक शोल्डर की तरफ जाएगी और एक फिटिंग की जो साइड की जो फिटिंग होती है एक उस तरफ लाइन जाती है। इस तरह से हमने स्केल को रखना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो ये हमारे प्लेट्स के निशान लग गए हैं। तो इसमें हमने प्लेट्स बहुत बड़ी नहीं डालनी होती है, छोटी छोटी प्लेट्स डालनी होती है। अंदाजे से यहाँ पर आप इसकी प्लेट्स के निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारी प्लेट्स के निशान डल चुके हैं। अब देखिए सेम प्लेट्स के निशान हमने दूसरी तरफ डालने हैं। उससे पहले हम कटिंग कर लेते हैं पहले गले की, क्योंकि अभी हमें इसको पलटना होगा। तो यहाँ पर हम 7 इंच यहाँ पर लेंगे, 7 इंच गहरा ही हमने गला रखना है। 7 इंच ही हमें लेना है, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से आधा इंच दबेगा तो नीचे से भी आधा इंच मुड़ जाता है, तो बराबर बैठता है। इसलिए 7 इंच गला गहरा लेकर हमने गोल कर दिया है। अब देखिए साइड की फिटिंग का निशान लगाने के लिए मैंने वापस से इस कपड़े को यहाँ पर बिछा लिया है और जो फिटिंग का मार्क था उसको इस तरह से मार्क करके वापस से रूलर की हेल्प से मिला लिया है। तो ये फिटिंग का निशान हमारा बैक पार्ट में, फ्रंट पार्ट में भी आ जाएगा। अब हमें करनी है इसकी कटिंग। तो ये जो मार्किंग हुई है गले की, मुड्ढे की, इसको हमने कट कर लेना है। ये फिटिंग की मार्किंग है, मार्जिन लेते हुए हमने कट करना है। ये हमारे इस तरह से कट करना है। तो कटिंग इस तरह से हमारी हो जाएगी। तो दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर लेना है। और ये देखिए प्लेट्स के निशान हमने दूसरे पार्ट में भी डालने हैं, तो इसलिए हम इनको पहले डार्क कर लेते हैं। और ये फिटिंग का निशान भी हम लगा लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। या फिर आप चाहें तो पेन से इस तरह से यहाँ पर डॉट से निशान लगा सकते हैं जो दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। और यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉजिस लगा देंगे प्लेट्स के, तो डॉट से नॉजिस को मिला करके आप निशान बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो नॉजिस हैं पूरे बन जाएंगे, तो उससे भी आप बना सकते हैं। या फिर उससे भी इजी तरीका है कि इस तरह से नॉजिस को हमने मिलाते हुए रखना है दूसरे पल्ले पर पलट कर, और इस तरह से टैप करेंगे तो हल्के निशान इस चौक के वहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको निशान को डार्क कर लेंगे। तो ये सबसे ईजी तरीका है प्लेट्स के निशान बनाने का दूसरे पार्ट पर। तो आप जैसे भी चाहें पेन और नॉजिस के से भी मैच कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी टैप करके निशान लगा सकते हैं। तो ये निशान हमारे लग चुके हैं। तो ये मार्किंग फ्रंट के पल्ले दोनों और बैक पल्ला हमारा कट हो चुका है। तो इसके बाद आती है हमारी बाजू कट करने की बारी। तो बाजू कट करने के लिए ये देखिए हमारा जो ब्लाउज़ था बड़े साइज़ का है, इसलिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया था। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो इसमें आप जोड़ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 9 इंच की रेडी बाजू रखनी है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच फालतू ले रहे हैं, 1 से 1.5 इंच यहाँ पर आपको फालतू लेना है। तुरपाई करनी है तो 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम आर्म होल के हिसाब से इसकी चौड़ाई लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने ब्लाउज़ में मेज़रमेंट करना है। तो मेज़रमेंट करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है 9.5 इंच। यहाँ से हम आधा इंच इसमें कम करेंगे तो 9 इंच हम इसमें लेंगे, क्योंकि आधा इंच की इसमें प्लेट में चली जाएगी। तो इस तरह से देखिए बाजू कट करने का ये सबसे आसान तरीका है। आप एक बार इस तरीके से कट करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आपको सही लगा कि नहीं। इस तरह से कटिंग करने के बाद में बाजू आपकी परफेक्ट आएगी। सबसे पहले बाजू को हम यहाँ पर नीचे से बराबर कर लेते हैं और एक बार लंबाई नाप के देख लेते हैं। तो 10 इंच यहाँ पर आ रही है, 10.25 इंच, जो कि हमारे लिए काफ़ी है।
फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम लाइन सीधी खींच लेंगे। अब यहाँ से 3 इंच डाउन लेते हुए 9 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। 9 इंच कैसे लिया है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने स्किप नहीं की होगी वीडियो तो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो 2.5 इंच में यहाँ पर हमने मार्क इस तरह से कर लेना है और इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो देखिए अभी हम यही गोलाई दे रहे हैं, दूसरी गोलाई हम स्टिचिंग के टाइम पर देंगे क्योंकि हम अस्तर से इसको जोड़ लेंगे तब हम इसकी गोलाई कट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके बाद स्टिचिंग की वीडियो भी पार्ट भी आने वाला है तो वो आप जाके वॉच जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमने मार्किंग करने के बाद में कटिंग कर लेनी है बाजू। आर्म होल का हाफ लेकर नीचे की तरफ से हमने यहाँ पर मार्किंग की थी और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो फाइनली हमारी ये दोनों बाजू कट के रेडी हैं। तो ये हो गई है हमारी कटिंग अस्तर के ऊपर। अब मेन फैब्रिक पर इनको रख के हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर फैला लिया है क्योंकि बड़े साइज़ का है तो अस्तर तो हमारा पूरा हो जाता है, मेन फैब्रिक कई बार कम पड़ जाता है। तो हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे ये आप देख लीजिएगा। और ये ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझसे तो अस्तर जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर फेविकॉल से यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं अस्तर और मेन फैब्रिक की दोनों की कटिंग एक साथ कर लेती हूँ। तो इससे मुझे स्टिचिंग भी नहीं करनी पड़ती और मेरा अस्तर बिल्कुल बराबर बैठ जाता है कपड़े के ऊपर और मेरी फिट जो कटिंग होती है वो आसानी से हो जाती है। ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से बाकी के पीसेस भी मैंने फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दिए हैं और ये कटिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरह से पेस्टिंग के बाद में हमारा स्टिचिंग का टाइम बच जाता है, ईजीली ये काम हमारा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार सिल्क के कपड़े आते हैं तो अस्तर अटैच करना मुश्किल होता है, तो इस ट्रिक से आप ईजीली अस्तर ब्लाउज़ के साथ में अटैच कर पाते हैं। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। यहाँ पर सभी पीसेस को हम इसी तरह से कट कर लेंगे और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ही इजीली यहाँ पर मैं अस्तर के साथ मेन फैब्रिक की कटिंग कर पा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी पार्ट्स यहाँ पर हमारे कट हो चुके हैं, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बाजू भी। तो कटिंग करने का ये सबसे आसान तरीका मैंने आपके साथ में शेयर किया है। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।